फ्रेंड्स, क्विकली आपको अपडेट कर देना चाहता था, ये जो न्यूज आर्टिकल आ जाए December 29th की न्यूज है टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर। टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज जनरली रिलायबल होती है, पर इस वाली न्यूज के अंदर उन्होंने इंटरेस्टिंग चीज ये बोली है कि जेई मेंस के एग्जाम पोस्टपोन होंगे, क्योंकि जो अभी इलेक्शन होना है उसकी वजह से जेई मेंस मार्च से पहले नहीं होगा। और साथ में उन्होंने ये जो मैंने रेड वाले गोले लगाए हुए हैं इसमें इन्होंने ये भी बोला हुआ है, ये वाला आर्टिकल स्पेसिफिकली इसकी इमेज हम लोगों ने नीट पेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उन्होंने ये बोला हुआ है कि नीट यूजी एक्सपेक्टेड है मई में ही होगा। अब पॉइंट ये है कि नीट यूजी मई में होगा, ये किस तरह से पॉसिबल है जब अभी काउंसलिंग भी चालू नहीं हुई है 2021 वाले एस्पिरेंट्स के लिए, और काउंसलिंग एक्सपेक्टेड नहीं है किसी भी तरीके से 15 जनवरी से पहले, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बाकी है जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाली चीज चल रही है। और दूसरी चीज है, यदि काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता तो कोई कैसे डिसाइड करेगा कि मैं नीट 2022 की नोटिफिकेशन के अगेंस्ट अप्लाई करूं या ना करूं? और क्या उसका मतलब ये है कि नोटिफिकेशन विल गेट डिलेड टिल द टाइम काउंसलिंग फॉर नीट 2021 इज कंप्लीट? ये वाले सवालों का जवाब क्लियर नहीं है। हमें पर्सनली neetprep.com पे ऐसा लगता है कि अभी कोई चांस नहीं है नीट मई में होने का, पर थोड़ा पता चलेगा जैसे जैसे काउंसलिंग की डेट्स अनाउंस होती है, काउंसलिंग प्रोसेस होता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो नीट का फाइनली नोटिफिकेशन आएगा उससे ये वाली क्लैरिटी आएगी। पर मैं आप लोगों को कुछ चीजें रेकमेंड करना चाहता था, ये खबर के बारे में आपको बता दिया टाइम्स ऑफ इंडिया, neetprep.com पर हमें नहीं लगता कि इस तरह से होगा, मई में हो सकता है हमें नहीं लगता, क्यों ये मैंने आपको बता दिया। इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है, हमें अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस और अपने रूटीन को पकड़ के रखना है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब क्या है एक बार वापस दिखा देता हूं, कोर्स कंटेंट पे गए neetprep.com पे, क्वेश्चंस पे आए, और क्वेश्चंस पे आने के बाद आपने कोई भी चैप्टर सेलेक्ट कर लिया, हमने आपको रेकमेंडेड एमसीक्यूज का ऑप्शन दे दिया। सो फॉर एग्जांपल आपको जीओसी करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, क्वेश्चन सेट पे जाइए और रेकमेंडेड एमसीक्यूज पे क्लिक कर लीजिए, खत्म करिए इन्हें। ये रेकमेंडेड एमसीक्यूज यदि आप ध्यान से जाके देखेंगे लार्जली एनसीईआरटी बेस्ड है, सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं, और आप पहले ये टारगेट रख लीजिए कि सिलेबस के पूरे जो 96 चैप्टर्स हैं, 38 बायोलॉजी, 30 केमिस्ट्री और 28 फिजिक्स, पहले सारे चैप्टर्स के रेकमेंडेड एमसीक्यूज विच आर क्लोज टू 16,000 पहले वो खत्म हो जाए, और उसके बाद हम और एक्स्ट्रा किसी चैप्टर के अंदर करना है तो वो करें। इसके अलावा हम आपको करीब 30 मॉक टेस्ट लिखवा रहे होंगे, 2 लेवल टेस्ट सीरीज जो है उसमें नीट लेवल और एम्स लेवल के 200 क्वेश्चन ही, 6,000 क्वेश्चन और हो जाते हैं। दिस इज गुड इनफ प्रैक्टिस, आप इधर उधर भटकिए मत, बस अपना रेगुलर रूटीन इसके हिसाब से चले रखिए, और फाइनली टारगेट जरूर बनाइए दो दो हफ्ते का। हमने आपको जो बताया हुआ है दो हफ्ते में 4 चैप्टर, 5 चैप्टर, 6 चैप्टर यदि आप 2022 की तैयारी करें और 2023 की तैयारी करें, तो एक फिजिक्स एक केमिस्ट्री एक बायो, 2 हफ्ते में 3 चैप्टर, दैट इज ऑल्सो गुड इनफ। टारगेट कैसे सेट करना है, टेस्ट कैसे निकालना है टारगेट सेट करके, वो लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। तो ये चीज मैं स्टूडेंट्स क्विकली आपके साथ कवर करना चाहता था। न्यूज आर्टिकल आपको क्या करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में आपसे प्रॉमिस चाहिए, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, आपने टारगेट बनाया हुआ है, और आप अपनी थ्योरी कंप्लीट करके रेगुलरली रेकमेंडेड एमसीक्यू हर एक चैप्टर के खत्म कर रहे हैं, ठीक है बच्चों।